जब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराध से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं? तो फिर आज हाजिर हूं मैं सुरभि राजपूत सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्से को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। कहते हैं कि जमीन का लालच जिसे हो जाए उसके लिए जान की कोई भी कीमत नहीं होती, और ऐसा ही हुआ है सोनीपत में, जहां जमीन के टुकड़ों के लिए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि घर में घुसकर हमला करने से भी पीछे नहीं हटे। परिवार के लोग चिल्लाते रहे, लेकिन बदमाश वार पर वार करते रहे और तब तक वार करते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कानून का डर तो अब खत्म सा हो गया है। आए दिन हो रही हत्या लूट जैसी वारदातें इसकी गवाही दे रही हैं। जमीन के लालच में हत्या और दिन दहाड़े लूट जैसी वारदातें तो प्रदेश में आम हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया, जहां कुछ लोगों ने जमीन के लालच में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट की और मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में मृतक की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मैं गांव से बाहर गया हुआ था, जैसे ही मैं बड़ोजी गांव के पास था, तो मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास, ये ना आप जल्दी से घर आ जाओ, परवेश पंकज, उसकी मम्मी सुरेंद्र, सुरेंद्र की वाइफ, उसका बेटा भगवान, भगवान की वाइफ सतपाल के नीसू नीटू और उनके भांजे, वो घर में घुस गए और धीरज पे, पापा, मेरे पापा पे और मेरी मम्मी पे, इन सब के साथ वो मार पिटाई जबरदस्ती प्लानिंग के साथ। उनके साथ कुछ हमारा जमीनी विवाद चला हुआ काफी टाइम से, तो प्लानिंग के साथ वो घर में घुसे हैं। घर में घुसने के बाद उन्होंने मेरे भाई पे, मेरी मम्मी पे और इन पे जानलेवा हमला किया है। जब एंड में पापा ने उनसे कहा कि भाई आप अब तो ये मर गए तो इसे छोड़ दो, ये नाम बॉडी ने भी क्यों खिलाओ हो, तो उन्होंने उसके बाद पापा का हाथ पकड़े, पापा के थप्पड़ मारे हैं। कल सुबह की बात है, 10:30 बजे के पास आसपास की, मेरे एक फैमिली प्लाट उसकी लेके वो कुछ फैमिली मैटर चल रहा है, उसको लेके कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो मेरे देवर कहने लगे कि मैं वो सॉल्व करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो ये जो दूसरी पार्टी है, फैमिली वाले हैं वैसे तो, वो उन्होंने एकदम से उनके ऊपर अटैक कर दिया, घर में घुस के बिल्कुल काट के चले गए मेरे सास को और मेरे देवर को। और फिर मैंने अपने बच्चे अंदर घर के अंदर रोक के मैं खुद भी भाग ली और उन्होंने मेरे ससुर को भी मारे। सुना आपने इस माँ की आवाज, क्या इस माँ के आंसुओं की कुछ कीमत नहीं? 400 गज जमीन के विवाद के चलते युवक धीरज को उसके घर में घुसकर बेरहमी से फर्श से लाठी डंड और तेज धारदार हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद से परिजनों में डर का माहौल है। डर इतना कि परिवार के लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की और पुलिस से गुहार लगाई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मामले में पुलिस ने एक दर्जन हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर 4 पुलिस टीमों का गठन किया है। वहीं जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़ाई झगड़ा की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंचे तो वहां धीरज का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
साथ ही पुलिस ने पिस्तौल की गोली का खोल बरामद किया और साथ ही कई तेज धार हथियार की बरामद कर कब्जे में ले लिए हैं। इस वारदात में मृतक की मां कृष्णा देवी भी घायल हुई, जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सनव ओम प्रकाश निवासी दत्तारपुर, कल इनके इनकी तरफ से शिकायत मिली थी कि धीरज को इनके परिवार के बलवान और सुरेंद्र द्वारा व इसके परिवार के करीब 12-13 व्यक्ति द्वारा, औरतों द्वारा व इनके परिवार के चाचाताओं में हैं के द्वारा लाठी डंडा से चोट मार दी थी, जो दौरान इलाज पार्क निदान हॉस्पिटल में धीरज की रात मौत हो गई। इस बारे में एक लिखित शिकायत मिली है जिस पर FIR दर्ज कर दी गई है। गौरतलब है कि मृतक धीरज हिस्ट्री शीटर रहा है, जिसके चलते धीरज पर भी दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया था और जिसके चलते रात में मामला दर्ज करवाया गया था। वही परिवार के कई लोग घायल है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और क्या कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। तो गोहारा में फिर एक बार एक पत्नी की महज एक शक के कारण हत्या कर दी गई। जिले के खटीक बस्ती में एक पति ने धारदार हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जांच पर पता चला कि पति नशे का आदी था और उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। फिर एक बार हैवान बना पति, पत्नी के चरित्र पर था पति को शक। शराब के नशे में पत्नी पर वार, तेज धार हथियार से किया हमला, इलाज के दौरान पत्नी की मौत। खटीक बस्ती में रहने वाली शिक्षा बताती है कि उसका लड़का आशकरण उर्फ बिट्टू लगभग 5 साल पहले कुंडली में एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां फैजाबाद की पूजा से शादी की थी। दोनों का 2 साल का बेटा भी है। आरोपी बिट्टू की मां बताती है कि उसका बेटा शराब पीने का आदी है। बिट्टू शराब पीने का आदी है और वो अपनी पत्नी पूजा के चरित्र पर शक करता था। एक दिन वो अपने बेटे बहू को घर छोड़कर रैली में गई थी, लेकिन जब वो घर वापस आई तो घर का नजारा देख चौंक गई। शिक्षा घर पर वापस आई तो पूजा घर में चारपाई पर लहूलुहान पड़ी थी। पूजा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं शहर थाना गोहाना की पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी का कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही कार्रवाई कर आरोपी को सजा दी जाएगी। सूचना मिली थी कि भाई एक महिला जो है मृत अवस्था में पीजीआई कानपुर दाखिल हुई है, जिस सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसकी सास ने शिकायत दी है पुलिस को कि भाई मेरा जो लड़का है उसने नशे के कारण अपनी पत्नी की हत्या की है, जिस संबंध में हमने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मृतका की लाश को पीजीआई कानपुर में रखवाया गया है, वारसान को सूचित कर दिया गया है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर चरित्र का करता था ये? हाँ, उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें आरोप यही लगाए हैं कि उनका जो लड़का है वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। तो इसने क्या कार्रवाई की है? मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मृतका की जो नाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए PGI कानपुर में रखवाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उसे सजा दिलाई जाएगी। लेकिन क्या वाकई में केवल आरोपी को सजा देने से ऐसी घटनाएं कम होंगी? बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक एक औरत घरेलू हिंसा का शिकार होती रहेगी। कहने के लिए भारत में महिलाओं के हक के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या महिलाएं उनके हितों के बनाए कानून के बारे में जानती हैं? और अगर नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गोहाना से लाजपत की रिपोर्ट।
वो स्कूल के लिए तो निकली थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी। जब घड़ी का काटा आगे बढ़ता रहा तो परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी, हाथ पैर फूलने लगे, सांसें तेज होने लगी और ऐसा होना लाजमी था क्योंकि जो बेटी कभी घर से देर तक बाहर नहीं रहती थी वो इतना वक्त बीतने के बाद भी आखिरकार घर क्यों नहीं पहुंची थी। परिवार वाले पुलिस के पास भी गए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और अब जो हुआ उसे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट और इस पूरे मामले को समझिए। स्कूल गई लेकिन वापस नहीं लौटी। मीरपुर चौक के पास मिला छात्रा का शव। 15 साल की छात्रा का हुआ बेरहमी से कत्ल। हत्या, लूट, किडनैपिंग जैसी वारदातें प्रदेश में तो आम हो गई हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई वारदात ना हो। कभी जमीनी विवाद के चलते हत्या, कभी दिन दहाड़े व्यापारियों से लूट। बयां कर रही प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल। नहीं थम रहा प्रदेश में हत्या और लूट का सिलसिला। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा स्कूल तो गई लेकिन घर वापस नहीं लौटी। बाद में जिसका चाकू से बड़ी बेरहमी से गोदा हुआ शव करीब 28 घंटे बाद रेवाड़ी रोड तक मार्ग के मीरपुर चौक के पास मिला, जिसकी पुलिस हर दृष्टिकोण से जांच कर रही है। आपको बता दें कि मृतक छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए गई थी लेकिन छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची और परिजन छात्रा को ढूंढते रहे और ना मिलने पर पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस परिजनों को टहलाती रही ये कहकर कि हमारे एरिया में ये स्कूल नहीं आता। ये परसों सुबह 9 बजे स्कूल गई है, 8 बजे 8:30 बजे घर से निकले, छोटे भाई को लेके गए साथ, विश्व में स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद ये स्कूल गई है, उस स्कूल में के बाद 3:30 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल सीधा ट्यूशन जाते, घर के नहीं आते, ठीक है। वो ट्यूशन भी नहीं पहुंची वहाँ पे, तो हमको हम ढूंढते रहे भी 6 बजे बच्ची आ जाएगी, बच्ची का कोई पता नहीं होता। वो कभी कहते हैं गोकल गेट वाले कहते हैं बाड़ाबाद फाटक, वो बाड़ाबाद जाओ हमारे एरिया नहीं, उनके पास गए वो कहते गोकल हमको इनने गेड़े कटाई रखे। स्कूल से लापता हुई 10वीं कक्षा की छात्रा मर्डर मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देर रात रेवाड़ी दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक और युवक की ट्रेन से कटी लाश मिली है और मृतका के परिजनों के बयानों के आधार पर आशंका है कि संभवत है छात्रा का मर्डर करने के बाद युवक ने ट्रेन से कट कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि मौके पर मिली स्कूटी पर कुछ खून के दाग भी मिले जिसकी FSL से जांच करवाई जाएगी और उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। भाई साहब शाम को गोकलगेट चौकी से फोन आया हमारे पास कि भाई साहब आप गोकलगेट चौकी में आओ। हम गोकलगेट चौकी में पहुंचे हैं तो उसके बाद में फिर वो ऐसा अपना हवलदार था वो हमारे को ले गया अपना यहाँ पे फोटो चेक करवाने के लिए। आदित्य में हमने फोटो चेक करी, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हमने देखा यहाँ पे कत्याल में CC देखी, उसमें लड़की माल गोदाम की साइड जाती मिली और उस दौरान उसके बाद रात को 8:30 का टाइम होता दुकान नहीं होती बंद। तो फिर वो हवलदार था हमको ले गया SHO अपना सदर थाना अपना सिटी थाने के अंदर, वहाँ जाके उससे बात हुई। वो साहब ये वाले आने हम गए उनसे नमस्कार करिए तो उन्होंने बोला भाई आपके बच्चा था, जी हाँ जी। फिर इतने में उनको SHO साहब को फ़ोन आया मीरपुर से कि भाई ऐसे ऐसे हालत में एक लड़की की मृत लाश मिली है। तो हम वहाँ पर इन्होंने बोला SHO साहब ने बोला तुरंत आप फोटो मेरे पास भेजो उस लड़की की, उन्हें फोटो भेजी हमने पहचान लिया फोटो। अब देखना ये होगा कि FSL टीम से जांच करवाने के बाद मामले में क्या नया मोड़ सामने आएगा। रेवाड़ी से चैन सिंह की रिपोर्ट। तो रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने से पहले जरा भी नहीं सोचते। पुलिस का तो माने कि ये रत्ती भर तक का इन बदमाशों को डर नहीं है। यही वजह है कि ये बदमाश घरों में घुसकर बंदूक की नोक पर पहले तो पूरे परिवार को बंधक बनाते हैं और फिर चैन से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। We'll be right back.
रेवाड़ी में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रहा। इस बात का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है कि रात को 3 बजे नकाबपोश बदमाशों ने अनाज मंडी स्थित एक सैनिटरी शॉप में घुसकर पहली मंजिल पर बने व्यापारी के घर में पिस्टल की नोक पर व्यापारी और उसके परिवार को बंधक बना लिया और अलमारी में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। हम ऊपर थे सर, खाना खा रहे थे, तो ये बार की रिंग बजी है तो मैंने ये खोल के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ये शटर बार वाला बंद करने लगा तो एक ने अंदर पांव अड़ा के तीनों बढ़ गए, एक ने फिर ये पीछे में मार के अंदर घीस ले गए और ये शटर बंद कर दिया, लाइट यहाँ भी ऑफ कर दी। फिर वहाँ मेरे मुंह पे मतलब टेप वगैरह सारी चीजें लगा के और पीछे हाथ बांध के फिर दो वो ऊपर भेजे कि ऊपर देखो जाके। तो फिर ऊपर जाके फिर एक बंदा आके फिर दोनों बंदे मेरे को ऊपर लेके गए, फिर ये इस फर्स्ट वाले रूम में हमें बैठा के मतलब इनसे चाबी मांगी कि मतलब चाबी दे दो नहीं तो हम जान से मार। पीड़ित व्यापारी और उसके पिता की माने तो पूरा दिन बारिश होती रही, जिसके चलते वे रात करीब 8:30 बजे दुकान की पहली मंजिल पर बने अपने घर में बैठे थे। तभी उनकी डोरबेल बजी और जब नीचे दुकान पर जाकर देखा तो कोई नहीं था। इसी दौरान व्यापारी दुकान का शटर बंद करने लगा, लेकिन पास में छिपे 3 नकाबपोश बदमाश जबरन दुकान में घुस आए और पिस्टल की बट मार कर ऊपर ले गए और हाथ पैर बांध कर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर अलमारी की चाबी ले ली और उसमें रखे करीब 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लड़का जैसे नीचे आया शटर घंटी बजी, जब शटर बंद करने के भी कोई है चलो देख लेता हूँ, शटर बंद करने लगे तो इनके सिर में मार दी और इनके एक एक लगा के पिस्टल के लगा के ऊपर ले गए। वहाँ मैं भी बैठा दिया अब चुप रहो नहीं तो भाई बोली चला नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और कब तक बदमाश प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो साइबर सिटी फरीदाबाद से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। हिंदू महिला ने पड़ोस में रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ये लोग घर में घुस आए थे और जबरदस्ती करने भी लगे थे। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। परिवर्तन से किया इनकार तो घर में घुसकर की मारपीट, बेटी से दुष्कर्म का भी प्रयास, मां की बेबसी तमाशबीन रही पुलिस, शिकायत के बाद भी नहीं की कार्रवाई, मामले में बजरंग दल की हुई एंट्री, फिर एक्शन में आई पुलिस। आज आशा भोसले का एक गाना याद आ रहा है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये जो कुछ लाइनें फरीदाबाद के सभी थानों में लिखी जरूर दिखाई देती होंगी, लेकिन जब एक लाचार परेशान पीड़िता पुलिस से मदद मांगने थाने जाती है तो सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का उनके प्रति क्या रवैया होता है, आइए सुनाते हैं। सर हमारे बगल में मोमडन रहते हैं, ये लोग मेरे तो प्रेशर कर रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन करवा, हमारे घर में मारपीट करते हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, मारा गया है मेरे को और मेरी मम्मी को भी मारा गया है। सर यहाँ पे 58 चौकी में है, मेरे बयान दर्ज रिकॉर्ड करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये धर्म परिवर्तन वाला हम सीन नहीं करेंगे, इन्होंने आज मेरा फोन छीन लिया गया, ये किसी से बातचीत नहीं होने दे रही है, अब मेरे को जबरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया जबकि दूसरे पक्ष को इन चौकी वालों ने अब तक उनको बुलाया नहीं है यहाँ पे। कब की बात है, कब से वो परेशान कर रहे हैं आपको, कितना समय से परेशान करते हैं? सर ये परेशान 1.5 साल से कर रहे हैं, पर कल मैं अपनी नौकरी से आई तो इन्होंने ये मेरे को घेरे बैठे थे पहले से, जैसे मैंने अपना गेट खोला खटखटाया मम्मी के लिए, मम्मी ने गेट खोला, मम्मी अंदर गई, इतने में ये मेरे संग बढ़ गए घर के अंदर और मेरे को जबरदस्ती बैठ में घेर लिया। तो सुना आपने, कैमरे पर आप बीती बयां कर रही ये पीड़िता वही है
जिसके ठीक सिर के पीछे थाने की दीवार पर ये लाइनें लिखी गई हैं। पीड़िता के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस ने न केवल उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने के साथ साथ पूरे दिन थाने में बैठा कर रखा और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। पीड़िता का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोग उन पर धर्म बदलकर उनकी बेटी की शादी एक विशेष समुदाय के लड़के से करने का दबाव बना रहे हैं। 7 बजे मेरी लड़की आई थी, जैसे ही आई इसको बोला आगे डाली, मैंने ये गेट, मैंने इसको गेट खोल दिया तो मैंने कहा खुशी गेट गेट बंद कर ले बेटा, मैंने सोचा गेट बंद कर लेगी, मैं इस 2 कमरे में इधर चली गई। जैसे मैं इधर गई वो 2 लोग इसको धक्का मार के बैट पे गेर दिया और इसके साथ पत्ते भी मतलब बलात्कार की कोशिश करी गई इसके साथ। तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक 24 घंटे के अंदर? नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ सर, वो 24 घंटे से ज्यादा हो गए। बता दें कि पीड़िता के मुताबिक कुछ दिनों पहले देर शाम को बेटी ऑफिस में काम खत्म कर घर लौटी थी। इसके बाद उन्होंने बेटी को दरवाजा बंद कर घर में आने के लिए कहा और वो दूसरे कमरे में चली गई। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले 2 युवक जबरन घर में घुस आए और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के बाद उन्होंने शिकायत सेक्टर 58 में पुलिस से की तो पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। हाँ, वही पुलिस जो सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती हुई फिरती है। वहीं जब मामला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब FIR दर्ज की है और फिर मामले की जाँच भी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब FIR दर्ज करवाने के लिए किसी संगठन या दल का साथ चाहिए तब FIR दर्ज होगी, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है वो पुलिस एक असहाय का दर्द क्यों नहीं समझती। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस शातिराना अंदाज में बदमाश खौफ की वारदातों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। ये बदमाश पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती भी देते हैं। आज भी हमने आपको खौफ की कुछ ऐसी वारदातों से रूबरू कराया है। अपराध की कुछ और तस्वीरें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।